हेलो गाइस, मैं मुसीबुल। आप लोग देख रहे हैं मेरा आपके यूट्यूब चैनल जुगंत रहा। इस वीडियो बताने वाला हूँ इंडिया से कौन सा देश का फ्लाइट बैन है और कौन सा देश का फ्लाइट अभी चालू है। जानकारी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे सिंपल प्रोसेस है। इस प्रोसेस फॉलो करके आप जानकारी ले सकते हैं, डायरेक्ट आप खुद ही आप जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए जो सिंपल प्रोसेस है वीडियो पूरा देखिए तो आपको जानकारी मिल जाएगा, और आपको किस प्रोसेस से जाएंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगा कि आप कतर का फ्लाइट चालू है कि नहीं इंडिया से, कि आप दुबई का फ्लाइट चालू है कि नहीं इंडिया से, अभी इंडिया से सऊदी का फ्लाइट चल रहा है कि नहीं चल रहे, अभी इंडिया से ओमान का फ्लाइट चल रहा है कि नहीं चल रहे, ये सारे जो फ्लाइट का जो टैटर्स है और ये सारे फ्लाइट का जो लेटेस्ट अपडेट है ये भी आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो सकते हैं, इसलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और घंटी को जरूर दबा के रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो सबको मिलता रहेगा। देखिए, अगर आपको किसी भी देश में जाना है, अगर आप कतर में जाना चाहते हैं, दुबई में जाना चाहते हैं, कि आप सऊदी में जाना चाहते हैं, तो उस टाइम में अभी जो फ्लाइट का जो टैटर्स है, अभी इंडिया से जो दुबई फ्लाइट चल रहे कि नहीं, अभी इंडिया से कतर का फ्लाइट का जो टैटर्स है, जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जिस एयरलाइन से आप ट्रेवल करने के लिए सोच रहे हैं उसी एयरलाइन पे आपको कॉल करना है। अभी देखिए, जो अगर आप कतर में जाना चाहते हैं, कतर का जो फ्लाइट चालू है कि नहीं चालू है, कतर का जो फ्लाइट है चालू है क्या क्लोज है, तो जानने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कीजिए। इस नंबर में कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं इंडिया से जो कतर का फ्लाइट चल रहे कि नहीं चल रहे, और इंडिया से अगर सऊदी अरब में आपको जाना है तो सऊदी अरब के लिए इस नंबर पर कॉल कीजिए। इस नंबर पर कॉल करके पूरा जानकारी लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। तो इसी तरह आप किसी भी देश में आप जाने के लिए सोच रहे हैं और उस देश का आप फ्लाइट के बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है, जानकारी लेने के लिए आपके जिस एयरलाइन से ट्रेवल करने के लिए सोच रहे हैं उस एयरलाइन पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं अभी के सिचुएशन में इंडिया से उस देश का फ्लाइट चालू है कि बंद है, और ये भी जानकारी ले सकते हैं अगर आप कतर में जाना चाहते हैं कि दुबई में जाना चाहते हैं, जो लेटेस्ट जो उस देश में आप एंट्री करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना पड़ेगा, क्या पीसीआर टेस्ट का नेगेटिव सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, होटल कोर्ट में रहना पड़ेगा, ये भी सारे जानकारी आप ले सकते हैं उसी ट्रेवल एजेंसी से। तो इस तरह से आप जानकारी ले सकते हैं आज का डेट में कौन सा देश का फ्लाइट चालू है, कौन सा देश का फ्लाइट बंद है, तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा हेल्पफुल हुआ है, और ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ है तो वीडियो जो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा।